मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव बी एम मेमोरियल अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अपन ने लास्ट क्लास में 4 और 5 के डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे, आज अपन 6 और 7 के डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। अब सबसे पहले किसका पढ़ते हैं अपन? 6 का। 6 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं अपन को ये देखना है। तो 6 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे? जो 2 से और 3 से क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से भी क्या होगा? डिविजिबल होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि पहले के जो डिविजिबिलिटी रूल है वो अच्छे से याद कर लेना। अब 2 और 3 से डिविजिबल होने के लिए आपको पहले इनके रूल्स पता होना चाहिए। 2 का क्या था कि 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो 2 से डिविजिबल है। 3 का क्या था कि सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे अपन और फिर अगर वो 2, 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी क्या है? 3 से डिविजिबल है। तो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो ही वो 6 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। जैसे कि अपन नंबर ले लेते हैं, अपन एक नंबर लेते हैं 216। 216 अपन ने नंबर ले लिया। सबसे पहले देखो क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ ये 2 से डिविजिबल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पीछे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यस इट इज डिविजिबल बाय 2। अब बताओ क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल होने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 + 1 + 6 6, 7, 8, 9 क्या 9 2 3 से डिविजिबल है? क्या 9 3 से डिविजिबल है? हाँ है। तो यस इट इज डिविजिबल बाय 3। अब 2 से भी डिविजिबल हो गया और 3 से भी डिविजिबल हो गया तो क्या हो जाएगा? सो इट इज डिविजिबल बाय 6। मतलब अगर 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि पूरा नंबर जो है वो 6 से क्या है? डिविजिबल है। ठीक है, एक एग्जांपल क्लियर हो गया। एक एग्जांपल अपन और देखते हैं इसके अंदर ही। देखो 4, 2, 6 ठीक है, ये अब 6 से डिविजिबल है कि अपन को ये बताना है। तो अब देखो 4, 2, 6 क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ ये 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि पीछे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यस इट इज डिविजिबल बाय 2। 2 से क्या है? डिविजिबल है। और फिर देखो क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो 3 के लिए हम चेक कर लेते हैं। इस सबको क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। इनका सम कितना आ रहा है? 12। 4 और 2 6 6 और 6 12। क्या 12 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है। कितनी बार आता है? 4 टाइम्स आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस इट इज डिविजिबल बाय 3। क्या है? 3 से डिविजिबल। सो 4, 2, 6 इज डिविजिबल बाय 6। तो 4, 2, 6 पूरा नंबर जो है वो क्या होगा? 6 से डिविजिबल। अब इसके अपन लैंग्वेज लिख लेते हैं कि 6 से डिविजिबल होता है तब क्या चाहिए अपन को। ठीक है, अब ये लैंग्वेज लिखना। इफ द नंबर इज डिविजिबल, अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3, अगर कोई नंबर है वो 2 और 3 से क्या है? डिविजिबल है। देन इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3 देन इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 6। तो क्या होगा? 6 से भी क्या हो जाएगा? वो डिविजिबल हो जाएगा। अब मैं आपको और क्वेश्चंस दे रही हूँ, आपको ट्राई करना कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, 2 और 3 से होगा तो 6 से भी होगा ही होगा। ठीक है, 3 1 2 4 2 3 6
5, 1, 4, 1, 6, ठीक है, ये सब है क्या? 6 से डिविजिबल अपन को ये बताना है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं 7 की डिविजिबिलिटी। 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 7 किस नंबर, 7 किस नंबर से डिविजिबल है, यहाँ हम देखेंगे। 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है अपन को? 7 में क्या आता है, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 5, 3, 2, 7 का, अच्छे से देखना बच्चों, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आपको बहुत समझ में आ गया फिर बहुत अच्छा लगेगा। सर 5, 3, 2 एक नंबर ले लिया, अब ये पता करना है कि 5, 3, 2, 7 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है, ठीक है, ये आपको पता करना है। तो क्या करना, यूनिट डिजिट मतलब जो लास्ट की डिजिट है उसको अलग कर लो, उसको अलग कर लो, ये 53 को अलग कर लो और ये यूनिट डिजिट को अलग कर लो। क्या कर लिया अपन ने, 53 को अलग कर लिया और यूनिट डिजिट 2 को अलग कर लिया। फिर यूनिट डिजिट में क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, कितना आया 10, कितना आया 10 आया। अब इस 10 को इसके अंदर जोड़ दो, इस 10 को इसके अंदर जोड़ दो, 53 + 10 कितना हो गया 63। अब बताओ 63 7 के टेबल में आता है क्या? आता है ना, 63 7 के टेबल में कितनी बार जाता है, 9 टाइम्स जाता है 63। तो ये क्या हो गया, 7 से डिविजिबल हो गया। अब देखो एक और एग्जांपल देती हूँ आपको इसी का, 987। अब अपन को क्या करना है, यूनिट डिजिट को क्या कर लेते हैं अपन, अलग कर लेते हैं। यूनिट डिजिट को अपन अलग कर लिया तो यूनिट डिजिट क्या थी, 7 अलग हो गई और 98 का आ गया अलग हो गया, ठीक है। यूनिट डिजिट में अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमेशा 5 से, हमेशा याद रखना किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 5 से। तो 7 × 5 का कितना हो गया 35। 35 किस में ऐड कर देंगे अपन, 98 में 35 ऐड कर दिया तो क्या आ गया अपना 133। देखो अभी भी अपन को पता नहीं चल रहा है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं पता चल रहा है, तो ये स्टेप वापस कर लो। ये स्टेप क्या कर देते अपन, वापस कर देते, फिर यूनिट डिजिट को अलग कर देते, अलग कर दिया कितना हो गया 3 और यहाँ पर कितना है ये 30। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, हमेशा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। कितना हुआ यहाँ पे, 5 × 15, तो 30 + 15 कितना हो गया 28। क्या 28 7 से डिविजिबल है, क्या 28 7 से डिविजिबल है, हाँ है। क्या 28 7 से डिविजिबल है, 28 7 से डिविजिबल है, तो क्या हो गया हमारे पास 987 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन में आपको इसका होमवर्क में दे दूँ कि ये वाला डिविजिबल है या नहीं है, ये निकालना 2996, इसका निकालना कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखा रही हूँ जो लिखना आप देखो, सेपरेट, इसके स्टेप्स है, सेपरेट द यूनिट डिजिट देन मल्टीप्लाई इट बाय 5। यूनिट डिजिट को क्या कर दिया अपन ने, सेपरेट कर दिया उसको, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट, फिर ऐड इट टू रिमेनिंग डिजिट, ठीक है। फिर जो नंबर आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसका आप निकाल के लाएंगे, निकालेंगे कि 2996 7 से डिविजिबल है या नहीं है, जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे ही करना। 7 का बहुत प्रैक्टिस करना, 7 की डिविजिबिलिटी की इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी यह समझ में आएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।